नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो चौखंबा सुर भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पंडित अशोक कुमार गौड़ जी द्वारा संकलित वेदी पूजा रहस्यम अर्थात वेदी पूजा विधि पुस्तक है। इसमें ग्रह शांति, वशिष्ठ हवन, स्मार्थ प्रभु एवं यज्ञादि अनुष्ठानों से युक्त ये पुस्तक है। अभी हम कर्मकांड से संबंधित कई पुस्तकें देख रहे थे, अभी के लिए ये अभी अंतिम पुस्तक है जो अभी हम देखने वाले हैं। दो तीन और पुस्तकें थी जो मैं इस साल कवर करना चाहता था या हूँ, तो वो हम कवर करेंगे। उसमें से मुख्यतः वो पुस्तकें मूल संस्कृत में ही होंगी, निबंध ग्रंथ ही हैं एक आध और, तो वो हम फिर आगे कभी किसी समय अन्य विषयों से में जब कुछ ब्रेक लेना होगा तो हम उन पुस्तकों पे, दो तीन पुस्तकों पे चर्चा करेंगे। बाकी फिर अब हम मोटा मोटी एक साल बाद ही वापस फिर कर्मकांड के विषय पर आएंगे। वेदी पूजा रहस्यम अर्थात वेदी पूजा विधि, ये जो चीज़ें हैं इस पर अभी हम कई पुस्तकें कवर कर चुके हैं। ये सारी पुस्तकें जो हैं कर्मकांड से संबंधित, जैसे पौरोहित्य कर्म पद्धति हो गई, या फिर इसमें से कई सारे अंग जो हैं, अभी हमने गीता प्रेस की पुस्तक देखी जिसमें पंचांग पूजन विधि आ गई, तो पंचांग पूजन विधि जो है वो भी पूजन का एक अंग है, वो सब भी इसमें कवर हो जाता है। फिर यज्ञ मंत्र संग्रह वाली जो पुस्तक थी उसमें भी इसके काफ़ी सारे अंग कवर होते हैं। फिर यज्ञ दीपिका पुस्तक देखी, उसमें भी कुछ अंग कवर होते हैं। तो इस प्रकार से, तो वेदी पूजन क्या है, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान या कोई बृहत पूजन है तो उसमें षोडश मातृका, वर्षोधरा, योगिनी, नवग्रह, वास्तु, सर्वतो भद्र, लिंगतो भद्र, क्षेत्रपाल, गौरी तिलक आदि, ये सभी जो हैं इनकी वेदियाँ बनाई जाती हैं। तो इनकी वेदी बनाकर फिर इनका पूजन और पूजन की विधि, मंत्र और विधि वो किस प्रकार से हो, वो इस तरह की पुस्तकों में होता है। तो अभी हम वही देखने जा रहे हैं। पीछे पंडित श्री वेनीराम गौड़ कृत टीका, ये ग्रंथ हैं, ये सभी ग्रंथ जो हैं इसमें चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। यज्ञ मीमांसा, यज्ञ हवन मंत्र संग्रह, रुद्रयाग, हवन विधि, श्रौत यज्ञ परिचय, यज्ञ प्रसाद, यज्ञ परिचय, यज्ञ महात्म्य, पंडित श्री अशोक कुमार गौड़ कृत टीका, अन्नपूर्णा रहस्यम, श्रीकृष्ण रहस्यम, इस श्रृंखला में अभी हमने एक पुस्तक देखी थी शिव रहस्यम, जो चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। और महर्षि अभय कात्यायन कृत कुछ टीकाएं हैं, कुंड मंडप सिद्धि, कुंडार्क, कुंड रत्नावली, कुंड से संबंधित अभी हमने एक पुस्तक देखी थी रुपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन की, पंडित अशोक कुमार गौड़ जी द्वारा संकलित। अगले वर्ष हम कुंड संबंधित एक आध और पुस्तक इसमें से प्रयास करेंगे कवर कर पाएँ। इसके आगे फिर निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु इत्यादि है वो हम देख चुके हैं, अनेक सूत्रावली है वो हम देख चुके हैं, ऋग्वेदीय ब्रह्म कर्म सामुच्य नहीं, ये हमने नहीं देखा है, कर्मकांड प्रदीप है, नित्य नैमित्तिक कर्म सामुच्य इत्यादि सभी कर्मकांड के ग्रंथ हैं। कर्मकांड चूंकि सनातन शास्त्र में अगर वेदों से ही देखें तो सबसे अधिक जो पोर्शन है वो कर्मकांड से ही रिलेटेड है, तो इसलिए कर्मकांड पे जो है अनगिनत पुस्तकें हैं। वैसे तो सभी विषयों पे बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन कर्मकांड पे, विभिन्न पद्धतियों पे, मंत्रों पे बहुत सारी पुस्तकें हैं। इस पुस्तक का मूल्य 180 रुपये है, 20% का डिस्काउंट मैंने चौखंबा की वेबसाइट से लिया था, और इसमें कुल पृष्ठ जो हैं वो हैं 448। पुस्तक इन्होंने समर्पित की है डॉक्टर पंडित कमलकांत त्रिपाठी को, जो अध्यक्ष मीमांसा विभाग के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के। एक संक्षिप्त प्रस्तावना है, प्रस्तावना में ऐसा कुछ खास वेदी पूजन के बारे में नहीं दिया गया तो मैं उससे कुछ कवर नहीं कर रहा हूँ, वो कर्मकांड के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन है जो हम पहले कई सारी पुस्तकों में देख चुके हैं। अब पहले भूमि पूजन और प्रायश्चित है, अभी हमने गीता प्रेस की भी पुस्तक देखी थी, तो उसमें भी श्राद्ध संबंधित जो पुस्तक थी उसमें श्राद्ध प्रारंभ होने से पहले प्रायश्चित का वर्णन आया था। तो कोई भी कर्म जो है इस प्रकार का विशेष अनुष्ठान करने से पहले उसके लिए अधिकार प्राप्त करना होता है, और उस अधिकार प्राप्त के लिए प्रायश्चित करना होता है। तो प्रायश्चित के तरीके हैं, या तो व्रत के माध्यम से, जिसमें किस प्रकार का व्रत करना है, उसमें कुछ कितने बार करना है, उसमें कुछ वर्षों का समय लग सकता है, और दूसरा कि उसके एवज में गोदान के माध्यम से प्रायश्चित किया जाए, कि ये मैं पद्धति आपको बता रहा हूँ जिस प्रकार से गीता प्रेस की पुस्तक में बताया गया था जो हमने हाल में ही कवर की है। तो प्रायश्चित, 10 दान, मंगल स्नान, जल यात्रा, ये सब पहले के कर्म हो गए। फिर वेदी पूजा विधि प्रारंभ, यहाँ से वेदी पूजा विधि प्रारंभ हो रही है जो पुस्तक का मूल प्रतिपाद्य विषय है, भद्र सुक्तम संकल्प हुआ। फिर यहाँ से जो गीता प्रेस की अगर पंचांग पूजन पद्धति वाली पुस्तक पर वीडियो आपने देखी होगी, अगर आपको उसमें से कुछ अंश याद है, जिन्होंने नहीं देखी वो कर्मकांड वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो किसी भी पूजन कर्म के 3 अंग होते हैं, एक पहला अंग जिसमें आमतौर पर पंचांग पूजन आ जाता है, पंचांग पूजन में 5 मुख्य अंग हैं, हालांकि 5 से अधिक अंग होते हैं लेकिन मुख्य 5 अंग हैं, इसलिए उनको पंचांग
पंचांग पूजन कहते हैं, और उसके बाद जो मुख्य पूजन है वो, और फिर उत्तर पूजन। तो यहाँ से गणेश अंबिका पूजन, कलश पूजन, स्वस्ति पुण्या वाचनम अभिषेक, अविघ्न पूजनम, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, आयुष मंत्र जप, नंदी श्राद्ध, नांदी श्राद्ध, आचार आदि वर्णम, कर्ता रक्षा बंधनम, मधुपर्क, ब्राह्मण प्रार्थना इत्यादि, ये सब पंचांग पूजन के अंग हैं जो कि इसमें भी दिए गए हैं। फिर यहाँ से मंडप प्रवेश, पंचगव्य कर्णम, प्रोक्षण विधि इत्यादि से फिर मूल जो पूजन है, मंडप पूजन इत्यादि, वास्तु देवता पूजन, सर्वतोभद्र स्थापनम पूजनम, नामानुक्रमणे लिंगतोभद्र पूजनम स्थापनम पूजनम। सर्वतोभद्र किन्हीं देवताओं का पूजन होता है तो उसमें सर्वतोभद्र मंडल बनाया जाता है, स्थापन किया जाता है। अगर भगवान शिव का, हनुमान जी का, भैरव बाबा का, इनका पूजन होता है तो उनमें लिंगतोभद्र बना के उनके ऊपर देवताओं को स्थापित किया जाता है। प्रधान देवता पूजनम, अग्न्युत्तारण प्रारंभ, प्राण प्रतिष्ठान, नेत्रोन्मीलन, षोडशोपचार पूजनम, सीताराम पूजनम। अब षोडशोपचार पूजनम जैसे यहाँ पृष्ठ संख्या 171 पे बताया गया है, हर जगह षोडशोपचार पूजनम, जैसे षोडशोपचार पूजनम का रेफरेंस जो है वो ये सब जो अलग अलग पूजन है उसमें भी आएंगे, बट हर जगह उसको विस्तार से नहीं बताया गया है, उसमें बस इतना लिख दिया गया है कि षोडशोपचार या पंचोपचार से पूजन कर लें। अब षोडशोपचार पूजन यहाँ पर एक जगह पर बताया गया है। सीताराम पूजनम, शंख प्रार्थना, घंटा प्रार्थना, सविधि अग्नि स्थापनम, अग्नि पूजनम, रुद्र कलश स्थापनम, चतुष्टी योगिनी पूजनम, क्षेत्रपाल पूजनम, कुशकंडिका प्रारंभ, हवन आरंभ। जो पंचांग पूजन पद्धति वाली गीता प्रेस की पुस्तक थी उसमें पंचांग पूजन के साथ साथ कुशकंडिका और हवन आरंभ भी दिया गया था, तो उसमें थोड़ा सा संक्षेप में जो एक लाइन में मैंने ये भी बताया था कि कुशकंडिका क्या होती है, और उसके पहले हमने नवग्रह जो ग्रह शांति पद्धति वाली पुस्तक देखी थी उसमें भी कुशकंडिका के बारे में बताया गया था कि कुशकंडिका एक्चुअली विधि क्या है, क्या होता है उसमें, उसका उद्देश्य क्या है, तो वहाँ भी संक्षेप में हमने चर्चा इस बारे में की थी। वराहुति, फिर होम आ गया है, नाम अनुक्रम केवल नामावली के माध्यम से नवग्रह होम या षोडश मातृका होम, सप्तघृत मातृका हवन, वास्तु पीठा रेखा हवन, इसी प्रकार से योगिनी हवन, क्षेत्रपाल हवन, सर्वतोभद्र देवता हवन, लिंगतोभद्र देवता हवन, स्थिति देवता हवन, मातृका हवनम, प्रधान देवता हवन, अग्नि पूजनम, स्विष्टिकृत होम, नवाहुति इत्यादि। अब यहाँ पर देखिए उत्तर पूजन एक करके हेडिंग आ गई है, तो प्रमुख पूजन, मुख्य पूजन समाप्त हो गया, पंचांग पूजन जो पहले का पार्ट था वो हो गया, पार्ट वन टू हो गया, पार्ट थ्री, तो हर पूजन में फिर उत्तर पूजन हुआ जिसमें प्रधान पीठादि दानम, अथाभिषेक, घृत छाया पात्र दानम, क्षमापनम, देव विसर्जनम, देवता का फिर विसर्जन हो गया, कर्ता रक्षा बंधनम, तो इस प्रकार से, और फिर परिशिष्ट है, परिशिष्ट में अलग से शिव, गणेश, विष्णु, दुर्गा, सूर्य, लक्ष्मी नारायण और शिव शक्ति पूजन, पूरी विधि जो है मंत्र के साथ स्टेप बाय स्टेप मंत्रों के साथ मूल में ही दी गई है। आरती भी दी गई है, आरती यहाँ पर आपको भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान विष्णु, दुर्गा माता, यहाँ तक हिंदी में आरती दी गई है, और फिर आगे भगवान सूर्य और कहीं कहीं पर संस्कृत में, दो तीन स्थानों में संस्कृत में आरती है, बाकी जगह हिंदी में आरती दी गई है। चतुर्वेदोक्त मंत्र, प्रधान वेदी स्थापनम, सूर्य अर्घ विधि किस प्रकार से दें, सूर्य अर्घ, अवभृत स्नान विधि किस प्रकार से करें, अवभृत स्नान का पहले भी यज्ञ वाले जो हमने कई सारी पुस्तकें कवर की थी उसमें अवभृत स्नान का उल्लेख कई जगहों पे आया है। षोडश मातृका चक्रम, सप्तघृत मातृका चक्रम किस प्रकार से, नंदी श्राद्ध चक्रम, विभिन्न चक्र जो हैं ये रेखा चित्र इनके बना के दिए गए हैं, और केवल चित्र बना के नहीं दिए गए हैं, उनके अंदर कुछ उस पर चर्चा, टिप्पणी, स्पष्टीकरण इत्यादि भी दिया गया है। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है, विधि जो है वो हिंदी में दी गई है, विधि भाग हिंदी में है, मंत्र भाग जो है वो मूल संस्कृत में है, तो संस्कृत में बोल्ड फॉन्ट में है और विधि जो है वो नॉर्मल फॉन्ट में हिंदी में दी गई है। पुस्तक की प्रिंट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, कहीं भी प्रिंट वगैरह का कोई इशू नहीं है, बाइंडिंग की क्वालिटी भी अच्छी है। अब जैसे प्रायश्चित के बारे में पहले बता रहा था, प्रथम दिन के पूर्व शुभ दिन में कर्म के अधिकार की सिद्धि के लिए 6 वर्षीय, 3 वर्षीय या 1.5 वर्षीय क्रमशः 180, 90, 45 संख्या के गांवों के मूल के समान द्रव्य सामने रखकर प्रायश्चित करें। तो यहाँ पर प्रायश्चित की सीधी विधि बताई गई है। जो गीता प्रेस की पुस्तक हमने देखी थी, शायद श्राद्ध संबंधी जीवत श्राद्ध पद्धति थी वो, उसमें प्रायश्चित में बिल्कुल कैलकुलेट करके बताया गया था कि कितने दिन का व्रत करना होता है, कौन सा व्रत करना होता है, एक साल में कितने व्रत होते हैं, कितने समय का व्रत करना होता है, उसके इक्विवेलेंट क्या गोदान का क्या प्रायश्चित होगा, फिर गोदान में अगर आप साक्षात गोदान नहीं कर रहे हैं और निष्क्रय द्रव्य दे रहे हैं यानी कि उसके मूल्य दे रहे हैं, तो फिर सुवर्ण के हिसाब से कितना मूल्य होगा, चांदी के हिसाब से कितना मूल्य होगा, ताम्र के हिसाब से कितना मूल्य होगा, ये सब उसमें फुट नोट्स वगैरह में समझाया गया है।
अब जैसे यहाँ षोडशोपचार तथा पंचोपचार से पूजन कर लें, अब किस प्रकार से षोडशोपचार पंचोपचार पूजन है वो एक स्थान पर षोडशोपचार पूजन आगे बताया गया है, उसका रेफरेंस हालांकि नहीं दिया गया बट यहाँ पर इन जनरल बता दिया गया कि इस प्रकार से पूजन कर लें। यहाँ से वेदी पूजा विधि प्रारंभ हो गई है। मंत्रों का कहीं ज़्यादातर स्थानों में अनुवाद नहीं दिया गया, कहीं कहीं एकाध स्थान पर दे दिया गया, किस कारण से दिया गया ये मैं श्योर नहीं हूँ कि कहीं दिया गया कहीं नहीं दिया गया, अधिकतर स्थानों पे नहीं दिया गया। जैसे ये भद्र सुक्तम है, मंत्र है, और यहाँ लाइन जहाँ खींच गई है वहाँ समझ जाइए कि नीचे अनुवाद है, तो यहाँ नीचे अनुवाद इसका दे दिया गया है। अब यहाँ भी पौराणिक श्लोक है तो यहाँ नीचे उसका अनुवाद दे दिया गया है, तो कुछ स्थानों पर ऐसा किया गया है जहाँ अनुवाद दिया गया है लेकिन हर जगह पर अनुवाद नहीं दिया गया है। यहाँ गणेश अंबिका पूजन जो है प्रारंभ हो गया, तो यहाँ पर पूरा डिटेल में प्रतिष्ठा से लेकर आसन, पाद्य अर्घ, आचमनीय स्नान, पंचमात्रिका स्नान, शुद्धोदक स्नान, वस्त्र उपवस्त्र योगी उपवितम किस प्रकार से दें, और मंत्र कौन से पढ़ने हैं, रुद्रचंद्रम, अक्षत, पुष्पमाला, दुर्वा, सिंदूर, अबीर, गुलाल, धूपम, दीपम, नैवेद्यम, आचमनीय जलम, ऋतुफलम, तांबुलम, दक्षिणा, निराजनम, पुष्पांजलिम, प्रदक्षिणा, प्रार्थना, पूरा विस्तार से यहाँ दिया गया। फिर कलश पूजन प्रारंभ हो गया। इस स्थान पे भी जैसे मैं आपको बता दूं ये क्या है, महारुद्रादि यज्ञेशु चतुर्वेदोक्त मंत्रे मंत्रेर वास्तु पूजनम, तो चारों वेद का दिया गया है मंत्र। तो जैसे पॉइंट नंबर वन है तो उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यहाँ रि, य, सा और अ से संकेत कर दिया गया है। जहाँ पे ये समाप्त हो रहा है वहाँ भी ये बताया गया है कि कर्ता से करवाते हुए स्वयं और ब्राह्मणों के साथ रक्षोगण और पवमान सूक्त का पाठ करें। यहाँ पे रक्षोगण और पवमान सूक्त हालांकि नहीं दिए गए। इस जगह भी ब्रह्म द्वारा कुंड में पंचभूत संस्कार किए जाने के पश्चात, अब ब्रह्मा द्वारा कुंड में पंचभूत संस्कार किए जाने के पश्चात पंचभूत संस्कार एग्जैक्टली किस तरह से करना है वो इस स्थान पर यहाँ पर नहीं दिया गया, ऐसा एक दो स्थानों पर है, बाकी हर जगह पूरी विधि सब कुछ डिटेल में समझाई गई है। ये कुशकंडिका है, कुशकंडिका में मंत्र नहीं है, बाकी जगह तो मैंने दिखाया था आपको वो स्त्रोत्र इत्यादि थे उनका अनुवाद दिया गया था। कुशकंडिका प्रारंभ में ये विधि दी गई है, जैसा मुझे पढ़ के लगा मुझे यही समझ में आया कि ये विधि दी गई है, और मूल में संस्कृत में भी विधि दी गई है और नीचे अंग्रेजी कह रहा हूँ हिंदी में इसका अनुवाद दिया गया है, तो हो सकता है कि ये विधि जो है किसी और ग्रंथ से ली गई हो। हवन आरंभ, वराहूति इत्यादि आदि प्रधान देवता हवन है। यहाँ पर ही इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शिव, हनुमान, भैरव के लिए लिंगतो भद्र का निर्माण करना चाहिए, ये देवता सर्वतो भद्र पीठ पर कदापि नहीं बैठते हैं, तो उस प्रकार से फिर हवन पद्धति जो है वो बताई गई है। पुस्तक 292 पे ये मुख्य खंड जो है वो समाप्त हो रहा है, फिर परिशिष्ट प्रारंभ हो जा रहा है जिसमें शिव पूजन है। जैसे शिव पूजन में पहले एक इंट्रोडक्शन दे दिया गया है कि कर्ता सुभाषण पर प्रांगमुख बैठे अपने से दाहिनी और अपनी धर्मपत्नी को बैठाकर पहले न्यास करें, उसके उपरांत निम्न प्रकार से शिव पूजन करें, तो इसमें षडंग न्यास, ध्यान, आह्वान, आसन, पाद्यम, अर्घ्यम, आचमनी, मधुपर्क स्नान, पंचामृत, शुद्धोदक स्नान, महाभिषेक स्नान, वस्त्र उपवस्त्र योग्योपवीत, गंध भस्म, अक्षत, पुष्पमाला, बिलुपत्र, और इन सभी को अर्पित करते समय क्या मंत्रों का उच्चारण करना है वही दिए गए हैं। दुर्व समीपुत्र, दुर्वा, तुलसी दल, नाना परिमल द्रव्यम, सुगंधित द्रव्य, आवरण पूजा, एकादश शक्ति पूजन, अष्टमूर्ति पूजन, एकादश रुद्र पूजन, धूपम, दीपम, नैवेद्यम, ऋतुफलम, धतुरफलम, तांबुलम, दक्षिणम, दक्षिणाम, आर्तिक्यम, आर्तिक्यम में ही यहाँ हिंदी में फिर आरती दी गई है, ऊपर संस्कृत के भी मंत्र कुछ दिए गए हैं, फिर मंत्र पुष्पांजलि इत्यादि। इस प्रकार से इन सभी देवताओं के जो विषय सूची में जैसे अंकित है, जैसे फिर गणेश पूजनम प्रारंभ हो गया तो उनके समस्त पूजन विधि दी गई है। हनुमत न्यास में बताया गया है कर्ता रुद्र सूक्त के द्वारा हनुमत न्यास करें, फिर हनुमत याग, हवन मंत्र सारे दे दिए गए हैं। यहाँ से जो चक्र है, मंडल है, उनको बना के दिखाया गया किस प्रकार से बनाना है, नीचे कुछ टिप्पणी भी की गई है। सप्तघृत मातृका चक्रम में यहाँ बताया गया है कि उपरोक्त सप्तघृत मातृकाओं का प्रादेश मात्र स्थान में मांगल्य कार्यों में दक्षिण दिशा से अर्चनारंभ कर उत्तर दिशा में समाप्त करना चाहिए। इस चक्र को बनाने के स्थान का निर्देश स्मार्थ प्रभु में दिया गया है। आजकल जो विद्वान पीठ पर इसे बनाते हैं उसका कोई मूल्य नहीं मिलता है, यानी कि उसका कोई प्रमाण इनको नहीं मिलता है। विभिन्न प्रकार के चक्र जो हैं और उनसे संबंधित उनको समझाया भी गया है नीचे टिप्पणी देके, और अंत में जैसा इस प्रकार की कई पुस्तकों में हमने देखा है कि सामग्री की भी सूची दी रहती है, तो पूजन सामग्री, यज्ञ सामग्री दी गई है। यज्ञ सामग्री के अंतर्गत सर्व औषधि, सप्तमित्रिका, नवग्रह, काष्ठ, सप्त धान्य, यज्ञ पात्र इत्यादि सभी का यहाँ सूची दिया गया। प्रतिष्ठा सामग्री दी गई है, और पृष्ठ संख्या 448 पे पुस्तक समाप्त हो जाती है।
तो ये थी कुछ जानकारी चौखंबा सुर भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पंडित अशोक कुमार गौड़ द्वारा संकलित वेदी पूजा रहस्यम अर्थात वेदी पूजा विधि के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।